फैसला न्यायोचित है। न्यायाधीशों से मुझे ये उम्मीद नहीं थी, न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं वो लोग, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो 1,72,000 लोगों की रोजी रोटी छीन लेंगे। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, मैं बस ये सोच रही थी कि न्यायाधीश हैं, मानवता को आधार बनाकर, अनुभव को आधार बनाकर हम लोगों को इस पद पर पदस्थ रखेंगे, हमें कहीं नहीं जाने देंगे, कुछ तो सोचेंगे हमारे बारे में। लेकिन उन्होंने एक भी बार नहीं सोचा कि कितना आदमी अपनी जान से हाथ धोएगा, कितना कहाँ जाएगा, क्या करेगा, कैसे करेगा। बस एक झटके में फैसला सुना दिया। पूछिए उन लोगों से जो सह नहीं पाए और उन्होंने किसी न किसी कारणवश अटैक हुआ, आग लगाई, जहर खाया, फांसी लगाई, काल के काल में समा गए। जैसे तैसे उन लोगों के देख देख के हम अपनी हिम्मत खड़ी कर रहे हैं, रोज़ गिरते हैं, रोज़ खड़े होते हैं इस आशा के साथ आज शायद सरकार हमें कुछ दे दे, आज नहीं तो कल कुछ देगी, कल नहीं तो परसों कुछ देगी। लेकिन सरकार इतनी हटी है, सोई हुई है, पता नहीं भगवान जाने वो कब जागेगी। मैडम, अभी आप एक कविता के माध्यम से सरकार को ललकार रहे थे, वही कविता आप यहाँ सुनाएं। जी बिल्कुल, सरकार के लिए मैं ये कविता जरूर कहूँगी कि अंधकार में तुझे देश की करनी है रखवाली, सावधान प्रहरी लालच की डसे न नागिन काली। क्योंकि हमारी दोनों सरकारें किसी न किसी लालच में जरूर हैं और उस लालच की नागिन इन सरकारों को डस रही हैं, और देखिए आने वाले वक्त में ऐसे डसेंगी कि ये दोनों सरकारें फिर कभी उठ नहीं पाएंगे। अंधकार में तुझे देश की करनी है रखवाली, सावधान प्रहरी लालच की डसे न नागिन काली। जब निर्बल असहाय दीनता खड़ी हाथ मलती हो, हम सब निर्बल ही हैं और खड़े खड़े हाथ मल रहे हैं क्योंकि हमारी नौकरी छीन ली गई है, क्या कर सकते हैं। कि जब निर्बल असहाय दीनता खड़ी हाथ मलती हो, या बलवानों के बल पौरुष की आंधी चलती हो। अब तो सरकार ही बलवान है और अपनी आंधी चला रही है, किसी को नहीं देख रही कौन मरेगा, क्या होगा, उसका क्या, कहाँ जाएगा, बस वो अपने ही मद में मस्त है। खुलते नहीं कपाट, सरकार की बुद्धि भी नहीं खुल रही है, अपनी बुद्धि को, अपने कपाट को नहीं खोल रही है कि हमें क्या करना चाहिए। कि खुलते नहीं कपाट, किसी की दाल नहीं गलती हो, जटिल जाल में किसी युक्ति से मुक्ति नहीं मिलती हो। उस ताले में ठीक बैठती है रिश्वत की ताली, सावधान प्रहरी लालच की डसे न नागिन काली। कोई ना कोई तो ऐसा है जो सरकार को रिश्वत दे रहा है हमारे खिलाफ, ताकि हम घर बैठे रहें, मर जाएं, कुछ भी हो हमारा। लेकिन उन लोगों की ये शांति होनी चाहिए कि हाँ, इनका निपटारा हो गया, ये गए यहाँ से। ओ पथ दर्शक, ओ नेता, मत बहकाना जनता को। कि ओ पथ दर्शक, ओ नेता, मत बहकाना जनता को। मोदी जी अब तक हमारे पथ दर्शक बने हुए थे, योगी को भी हम अपना पथ दर्शक मान रहे थे, लेकिन अब तो वो हमें सिर्फ बहका रहे हैं। कि ओ पथ दर्शक, ओ नेता, मत बहकाना जनता को। पीछे दो उपदेश गिरेबां, पहले अपना झांको। 1,72,000 लोगों की रोजी रोटी छीनने से पहले योगी और मोदी जी एक बार अपनी तरफ देख लें, उनका परिवार होता और उनसे रोजी रोटी छीन ली जाती तो वो क्या करते, कैसे बच्चों का पेट भरते, कैसे पालन पोषण करते। कि पीछे दो उपदेश गिरेबां, पहले अपना झांको। अरे अहिंसा के आराधक, मोदी जी तो गुजरात से हैं, गांधी जी के वहां से जन्मस्थली से, अहिंसा के आराधक वो भी थे और ये भी कहलाते हैं। कि अरे अहिंसा के आराधक, मत बन अत्याचारी, पद के मद में अंधा मत हो, झुक जा रे अधिकारी। नहीं रहा अभिमान जगत में, रहा नहीं अभिमानी, सावधान प्रहरी लालच की डसे न नागिन काली। उसको गले लगा ले जिसका कोई यार नहीं है। इस समय जितने भी बेरोजगार हैं हम 1,72,000, इस समय हमारा कोई भी नहीं है, एक सिर्फ ऊपर वाला है, उसे आस लगाए बैठे कि शायद वो हमारी सुन ले, इनकी बुद्धि खोल दे, इनको सदबुद्धि दे, हमारे लिए सरकार कुछ सोचे।
कि उसको गले लगा ले जिसका कोई यार नहीं है, उसका नाविक बन जिसकी कोई पतवार नहीं है। अपनों ही से प्यार असल में, कि अपनों ही से प्यार असल में सच्चा प्यार नहीं है, सबका बनकर देख जीत है तेरी हार नहीं है। अगर योगी जी मोदी जी मिलकर इस देश को संवारते हैं, रोजगार छीनने की बजाय देते हैं, तो आने वाले हर चुनाव में उनकी बहुत बड़ी जीत होगी। फिर से खाया है तो तुझे नमक की, अरे मोदी जी योगी जी अगर आपने वास्तव में इस देश का नमक खाया है, कि खाया है तो तुझे नमक की होगी लाज बचानी, सावधान प्रहरी लालच की डसे न नागिन काली। लूट न लेना अरे लुटेरे जाने या अनजाने, कि लूट न लेना अरे लुटेरे जाने या अनजाने, किसी भिखारी की झोली के तू मुट्ठी भर दाने। ये सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी तीनों के लिए है। तीनों से ही मैं कह रही हूँ कि प्लीज़ मत लूटिए, हम भी वही भिखारी हैं कि 3,500 से शिक्षा मित्र के लिए 17 साल हमने गवाए, सहायक अध्यापक का पद मिला, कुछ हमें मिला और वह भी आपने छीन लिया। कि लूट न लेना अरे लुटेरे जाने या अनजाने, किसी भिखारी की झोली के तू मुट्ठी भर दाने। अगर कर्मचारी है तो, अगर वास्तव में मोदी जी खुद को इस देश का राजा बताते हैं, सेवक बताते हैं, तो मैं कहना चाहूंगी कि अगर कर्मचारी है तो कर पूरा फर्ज निभाना, दूर किनारा नहीं किनारे लामत नाव डुबाना। अंधकार में तुझे देश की, अंधकार में तुझे देश की करनी है रखवाली, सावधान प्रहरी लालच की डसे न नागिन काली। दो लाइनें और हैं, सरकार के लिए ही हैं। प्रहार करना चाहूंगी सरकार पे, उसे होश हो कि हमसे क्या बोला जा रहा है। गंदी राजनीति का, के गंदी राजनीति का शिकार हो गया, गुंडों का वतन पे अधिकार हो गया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा।